खबर यूपी के बलिया से है, जहां शातिर चोरों ने मोबाइल शॉप से लाखों की चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। चोरों ने मोबाइल शॉप से 40 से ज्यादा महंगे मोबाइल चुरा लिए। मामला शहर कोतवाली क्षेत्र के माल गोदाम रोड का है। बताया जा रहा है कि बालेश्वर जी रोड कटरा के रहने वाले धीरेन्द्र वर्मा की रेलवे स्टेशन के पास माल गोदाम रोड पर मोबाइल की दुकान है। चोरों ने रात में बंद दुकान का शटर तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया और लाखों रुपए के मोबाइल फोन चुरा ले गए। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस केस दर्ज कर मामले की तफ्तीश में जुट गई है, लेकिन सफलता बहुत दूर है। मेरा धरत कुमार वर्मा जी, कैसे चोरी हुई है आपकी दुकान में? कैसे लेकर गए हैं लोग मोबाइल? कितने लाख के मोबाइल चोरी हुए? टोटल लगभग 4 लाख की चोरी हुई है, जिसमें 40 फ़ोन की क्वांटिटी है जी। और ये चोरी 30 तारीख को सुबह मॉर्निंग में 4 बजे हुई है, जिसमें कुछ 7 अज्ञात लोग थे, जो CCTV फुटेज में दिख रहे हैं। इन्होंने हमारे दुकान का शटर काट के और अंदर जो ही फ़ोन रखे हुए थे स्मार्टफोन दराज के अंदर, वो सारे ले गए वो लोग, लेकिन उसका बॉक्स वहीं छोड़ दिए हैं। बॉक्स से IMEI निकाल के हमने IMEI थाना में दे दी है, FIR उसका करा दिया है, लेकिन अभी उचित कार्रवाई कुछ दिख नहीं रही है जी। ये कितने बजे घटना है और कैसे लोग इसमें घुसे थे दुकान के अंदर? CCTV फुटेज के हिसाब से ये घटना 4 बजे से 5 बजे के बीच में हुई है, सुबह 4 बजे 30 तारीख को सुबह, और 1 घंटे का सारा यह काम है। आप लोग कैसी जानकारी हुई आपको? अगले दिन जब हम लोग दुकान खोलने गए प्रतिदिन की तरह, तो पहले ही देखा मैंने कि शटर थोड़ा सा वैसे नहीं था जैसे नॉर्मल रहता है, वो फैला हुआ था, बाहर की तरह निकला हुआ था और कटा भी हुआ था। वो उसका मेन एंगल जो है वो कटा, कुछ किसी चीज़ से काटा गया था उसको। तो वो लोगों ने सूचना दिया थाना में, वहाँ से आए भी लोग और खोल के देखा गया तो अंदर का स्थिति यही था कि स्मार्टफोन सारे गायब थे। कितने स्मार्टफोन चोरी हुए ना? टोटल 40। कितनी रेट किया है वो सब? अप्रोक्स 4 लाख के आसपास का है। आप वो जानकारी कितने बजे हुई है? मुझे तो वही 10 बजे जब हम लोग खोलने जाते तब पता चला, सुबह 10:15 बजे। कितने स्टाफ वहाँ पर रहते हैं? वहाँ 2 लोग रहते हैं, वो हमेशा की तरह वही 2 लोग पहुँचे और फिर उन्होंने मुझे फ़ोन से सूचित किया। पुलिस क्या कर रही है आपको, क्या सोच? पुलिस कह रही है कि ठीक है, हम अपनी कार्रवाई कर रहे हैं, FIR हो चुका है, बाकी और कुछ बहुत उसमें कुछ दिख नहीं रहा है।